सातवां आदमी बड़ा नादर किस्म का आदमी है और यकीनन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। ذكر الله خاليا رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينيه, उसने अकेले में अल्लाह को याद किया, उसकी अजमत को याद किया, उसकी कुदरतों को याद किया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, रोने लग गया। कोई देखने वाला नहीं। बाद लोग हैं कि वो बड़े मदारी किस्म के बाद लोग होते हैं कि खुद भी रो रहे हैं, लोगों को भी रुला रहे हैं। लोग तो शायद असली रोना शुरू हैं, ये अंदर से नहीं रो रहा, ये ड्रामा कर रहा है। लेकिन ये वो शख्स नहीं है, रजुलुन ज़कर अल्लाह खालियन, अकेला है। दिन है या रात है, रोशनी है या अंधेरा है, लेकिन ये अकेला है। इसने अल्लाह को याद किया, उसकी कुदरतों को, अजमतों को याद किया, फफाजत ऐना हो, और उसकी आंखें जो हैं वो बह पड़ी। फफाजत ऐना हो, आंखें बह पड़ी, यानी आंखों से आंसुओं की जड़ी लग गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस किस्म के आदमी को भी क्यामत के दिन अपने साए में जगह देगा। और सूरतुल माईदा की आयत 83 में इरशाद फरमाया, वाइदा समय मा उन्ज़िला इल रसूल, अहले ईमान की ये सिफत भी है कि जब रसूल पर जो कुछ नाजिल किया गया वो सुनते हैं, तरा आयुनहुम तफीज़ु मिनद दमअ, उनकी आंखें आंसुओं से तर हो जाती हैं, आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। मिम्मा आरफू मिनल हक, जब वो आयात सुनते हैं, हक का इल्म होता है, उनकी आंखें बह पड़ती हैं। और जिसने सारी उम्र कुरान पढ़ा है लेकिन उसे नहीं मालूम कि इस आयत में क्या कहा जा रहा है, आंखें वहां बहेंगी? वो कहीं अकेला, ठीक है अकेला बैठ के अल्लाह को याद कर ले, आंखें बह जाए। जिसने तर्जमा नहीं जाना उसको कुरान पढ़ने से क्या असर होगा और कुरान पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा? लेकिन जिनको मालूम है, इल्म है, अगर उनके सामने कुरान करीम की आयत पढ़ी जाए तो उनकी आंखें बह पड़ती हैं। मिम्मा आरफू मिनल हक यकूलूना रब्बना आमन्ना फक्तुबना मा शाहिदीन, और वो लोग कहते हैं, या अल्लाह हम तुझ पर ईमान लाए, हमें शाहिदीन में से लिख ले। ये सात लोग हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन अपने साए में जगह देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो हमें भी अपने साए में, अपने साए में जगह दे, या अपने अर्श के साए में जगह दे। बात एक ही है, अर्श में साए, अर्श का साया या अपना साया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ किया कीजिए कि अल्लाह हम उन सातों से कोई बना दे। अल्लाह ताला हमें सातों ही काम करने की तौफीक, क्या ये नामुमकिन है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यकीनन ये सातों काम ही करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आप सब लोगों को देखने की तौफीक।